जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DELED चतुर्थ सेमेस्टर का जो 2018 बैच का पेपर आया हुआ था दिनांक 4 फरवरी 2021 को, इस पेपर को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा उन सभी प्रश्नों को आप अपने उत्तर से मैच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आप परीक्षा में कितने प्रश्न सही करके आए और कितने प्रश्न आपके कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबा लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली सरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या फिर हरिवंश राय बच्चन? इसका सही उत्तर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो है कवयित्री। इसका जो सही होगा वो होगा कवयित्री, यानी वा में मात्रा नहीं लगेगी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या फिर योग्यता? देखो वाक्य का गुण सार्थकता है, क्रमबद्धता है, योग्यता है, लेकिन निपुणता नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा निपुणता। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, मेरा नाम मोहन है, सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही है मम नाम मोहन अस्ति। अगला है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखने वाला क्या कहलाता है? श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख या फिर इमला? तो ये होता है अनुलेख। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण। तो वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण ये हो सकते हैं कि जैसे उच्चारण दोष है अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी की कमी के कारण सामान्य वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। क्लियर, या तो उच्चारण दोष है या तो शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी नहीं है, इसीलिए वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। अब रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं ये पूछा गया, तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या था, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाएँ, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाएँ, किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकें, उसे अपनी समझ का निर्माण कर सकें और सुनी हुई बातों को लिख सकें। तो ये भाषा शिक्षण यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। अब यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 9 आई थी कि पतंति, पतंति से एक वाक्य बनाओ। तो हम वाक्य बना लेते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 था कि विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखो। तो विद्या शब्द से तो एक तो विद्या ददाति विनियम आप आसानी से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी वाक्य लिखे हुए विद्या पर, जैसे विद्या अधुना युगे अत्यावश्यक अस्ति, विद्या विहीन पशु भी समाना, मतलब ढेर सारी विद्या से संबंधित जो भी संस्कृत बात आप चाहे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था यमक अलंकार की परिभाषा लिखो। तो यमक अलंकार की परिभाषा आपके सामने है कि जिस काव्य में समान शब्द के लिए अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। तो ये हो गई यमक अलंकार की परिभाषा। अब पूछा गया था कि कबीर का एक दोहा लिखो और उसका अर्थ समझाओ। तो मान चलते हैं कि हमने ये कबीर का दोहा यहाँ पर लिख दिया कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए अज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। यानी इसका अर्थ भी बताना था, इसका ये मतलब है कि किसी भी साधु की जाति मत पूछिए, उससे उसका ज्ञान पूछ लीजिए। जब भी तलवार खरीदिए तो तलवार का मोल कीजिए, तलवार का मूल्य पूछिए, म्यान को आप पड़ा रहन दो, म्यान यानी जिसमें तलवार रखी जाती। तो ये हो गए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखो। तो पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के तो पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं कि पद्य की लय, ताल और तुक का आनंद उठा पाना, पद्य की संरचना को समझना, कल्पनाशीलता को बढ़ाना, अधिक कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 कि नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियाँ लिखो। तो इनकी क्या प्रमुख विधियाँ होती? तो इनकी प्रमुख विधियाँ आपके सामने हैं, आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय विधि, कक्षाभिनय और संवाद। देखो ये जितनी भी विधियाँ दी रखी हैं केवल इनको लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन भी अगर आपने लिख दिया, मान के चलिए 4 विधि आपने लिख दी और इनसे संबंधित दो दो लाइनें भी लिख दी, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे।
प्रश्न संख्या 15 थी कि ये आपका एक श्लोक दे रखा है और इसका आपको हिंदी अर्थ बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप, ना दान, ना शील, ना गुण और ना धर्म, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग जानवर की तरह से घूमते रहते हैं। तो ये हो गया इसका हिंदी का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 16 थी कि संप्रदान कौन सी विभक्ति, संप्रदान की कौन सी विभक्ति और उसका उदाहरण लिखो। तो यहाँ पर देखिए, संप्रदान जो है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है या इसका चिन्ह हम कह सकते हैं के लिए या को। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण भी आपको सामने है, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। तो ये आपकी हो गई प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। यानी मेन चीज थी विभक्ति पूछ रहा था, तो विभक्ति आपकी चतुर्थी है और इसका जो उदाहरण है, उदाहरण आपके सामने, मैं दिनेश के लिए चाय बना, और इस उदाहरण को भी यहाँ पर इसकी व्याख्या कर दी गई। तो ये चीज आप समझ गए कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति और इसका उदाहरण। आगे देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है कि अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। तो नदीशा का क्या होगा, नदी प्लस ईशा, ठीक, ये हो गए नदीशा, इसका ये संधि विच्छेद। इत्यादि का क्या होगा, इति प्लस आदि, ठीक, ये हो गया इत्यादि का संधि विच्छेद। उज्ज्वल का क्या होगा, उत प्लस ज्वला, ठीक। निश्चल का क्या होगा, निश्चल का होगा नी प्लस चल, ठीक, ये हो गया इसके संधि विच्छेद। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी संधि विच्छेद आपने पूरे पूरे सही किए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। अब यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 18 पूछा गया है, कोरोना वायरस से सतर्क करते हुए मित्र को एक पत्र लिखो। तो यहाँ पर देखो, जैसे मित्र को कोई भी पत्र हम लिखते हैं, सारा सब कुछ वैसे ही लिखेंगे कि सबसे ऊपर उसका एड्रेस डाल देंगे, फिर उसके बाद तारीख डाल देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे प्रिय मित्र या मित्र का जो भी नाम हो, उसके बाद हम कोरोना वायरस से सतर्क करते हुए जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, जो भी अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं सही है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में आप डालेंगे अपना कि तुम्हारा मित्र, अपना नाम नीचे डाल देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह ये सारे 18 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं और आप अपनी कॉपी में क्या करके आए हैं, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके बहुविकल्पी सही हो रहे हैं, कुल मिलाकर ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि कुल मिलाकर आपके हिंदी के पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी के पेपर में तो 18 प्लस ही आने चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। बहुत ही जल्द हम आज की परीक्षा का, यानी दिनांक 4 फरवरी 2021 को अंग्रेजी में पूछे गए पेपर को भी यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।